दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 25x30 और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, पूरा होल मॉडल। और आपको फ्रंट से ये ऐसा दिखने वाला है, आप देख पा रहे होंगे, और इसका टॉप व्यू की बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा। और साइड में फिलहाल मकान बने होंगे तो इसलिए मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। तो ये पूरा मॉडल है जिसका साइज है, चौड़ाई की बात करें तो 25 फिट है और लंबाई की बात करें तो 30 फिट है। टोटल ये मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 25x30 का मॉडल चाहिए पहले, तो मैंने उनके लिए डिजाइन किया है। फिलहाल मेरे चैनल पर एक ऑलरेडी पहले से 25x30 का मॉडल है, तो लेकिन मैंने उनके कहने पर डिजाइन किया, तो चलो इसको मैंने ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ हमेशा के तरीके से। तो जैसे मॉडल आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिएगा ये आपको अंदर से बाहर तक ऐसा दिखने वाला है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट में आपको ऐसा और बेहतरीन से दिखेगा। और जैसे कि ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर लेते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर क्या है, फर्स्ट फ्लोर क्या है, पूरा डिस्कस। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो चलिए सबसे पहले इसको ले चलते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका ग्राउंड फ्लोर मैंने डिजाइन किया है। मेन डोर की बात करें तो ये है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल जो मैंने डिजाइन किया विद कार पार्किंग डिजाइन किया है, 25x30 मॉडल विद कार पार्किंग। तो सबसे पहला ये आपका मेन डोर है, यहीं से ये आपका ओपन रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि अगर कार पार्क करनी है आपको तो ये एरिया आपको ओपन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसके बाद आपको बाहर से ही मिल जाता है स्टेयर्स जीना, और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जीना अगर टॉप से आपको सही दिखेगा, पीछे जीने के पीछे लगभग काफ़ी जगह छूटी है, तो ये आपका लेटरिन और बाथरूम के लिए जगह है दोस्तों। आप जीने के जस्ट पीछे लेटरिन और बाथरूम बनाएंगे, और अगर लेटरिन बाथरूम में जाना है तो आपको इस जीने के नीचे से होकर एक साइड से जाना पड़ेगा। और ये आपका यहाँ पे मेन डोर है, जैसे यहाँ से आप इंटर करेंगे तो आप लास्ट वाले पीछे वाले फ्लोर में पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको दो बेडरूम मिलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। ये आप देखो इनका साइज, अगर आपको जानना है एग्जैक्ट साइज क्या है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर मूव करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट साइज मिलेगा कि कितने बाई कितने का रूम है, और ये आप देख सकते हो सभी का साइज, किचन का साइज बात करें, लेटरिन या बाथरूम का, स्टेयर्स का या ग्राउंड का, तो सभी साइज यहाँ पर पड़े हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये पोस्ट आपको दिखेगा, और यहाँ पर आपको साइज के माध्यम से सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये हो गया बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, ये सेकेंड बेडरूम दोनों के लिए। ये यहाँ पर आप चाहे तो इस बेडरूम में आप एक विंडो भी लगा सकते हैं, और फिलहाल मैंने गेट के ऊपर ही विंडो दे दिया दोनों के लिए। ये आपका हो गया किचन, ठीक है, ये भी आपका किचन हो गया, और लेटरिन बाथरूम आपका यहाँ बनेगा, इसलिए पूरा परफेक्ट है। जो अगर हम ग्राउंड फ्लोर दोस्तों जो भी डिजाइन करते हैं पूरा परफेक्ट डिजाइन करते हैं, जिसमें अगर आप रहना स्टार्ट करना चाहें स्टार्टिंग से ही तो आप कोई आपको सब कुछ आपको व्यवस्थित मिले, जैसे कि लेटरिन हो गया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, बेडरूम्स हो गए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये कार पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाएगी। और फ्रंट से भी मैंने एक विंडो दे दिया वेंटिलेशन के लिए, इसमें हवा आती जाती रहे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर जैसे आप जीने के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सेम टू सेम पीछे वाले बेडरूम दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ पर किचन वाला एरिया हट जाएगा, और ये आपका बड़ा सा एक बारंडा टाइप का बनेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा रखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक छोटा सा रूम डिजाइन करे आगे तो वो भी मैंने, ये देखिए बालकनी डिजाइन कर दी है आपके लिए, और ये ग्लासेस दे दिए हैं वेंटिलेशन के लिए, आप जहाँ से हवा पास होती रहे आप ओपन ग्लास से लगवा सकते हैं, इसमें आप ओपन कर सकें समय आने पर। तो ये पूरा डिजाइन हो गया जिसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की। अब हम बता दें आपको इसका लास्ट फ्लोर भी दिखा देते हैं। तो लास्ट फ्लोर फिलहाल खास कुछ नहीं, सिर्फ स्टेयर्स को मैंने ढक दिया है और ये गेट दे दिया, आप ऊपर आ सकते हैं, और आपको बालकनी दोनों तरफ को मिल जाती है। तो ये पूरा मॉडल था जो मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप कोई चाहते हैं कि मॉडल आपका डिजाइन किया जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सभी लोगों के मॉडल तो नहीं डिजाइन कर पाता हूं, लेकिन दोस्तों मैं लगभग कोशिश करता हूं कि आपको एक यूनिक मैं मॉडल दूं। और अगर आप वीडियो दोस्तों आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा आज फेसबुक पेज न्यूटेक है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उसको जरूर फॉलो कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ फेसबुक पर। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।